वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल्स लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज सर्वाइना स्ट्रॉन्ग। आज मैं इस वीडियो में आपको सर्वाइना स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। इसमें कौन से डिजीज़ में ये यूज़फुल है, इसे कितनी क्वान्टिटी में लेनी है, इसकी प्राइस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइना स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मैं सर्वाइना स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सर्वाइना स्ट्रॉन्ग जो टैबलेट्स है वो कुछ इस तरह के पैकिंग में आती है, जो कि डिस्प्रिन वगैरह या सैरिडॉन जो होती है, नॉर्मल टैबलेट्स जो होते हैं उसी तरह की पैकिंग में ये है। और ये जो है डाबर कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है नेचुरल, जितना इसे हो सका है हर्बल और नेचुरल रखा गया है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे तैयार किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके मेन बेनिफिट्स क्या है, या तो ये सर्वाइना जो है स्ट्रॉन्ग कौन से डिजीज़ में बहुत ज़्यादा काम आती है। ये जो है हेडेक में, यानी कि सिर में अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अक्सर ऐसा दर्द रहता है, तो उस सिचुएशन में ये जो है बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। स्पेशली ये सिर दर्द के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन हाँ, और सिर में दर्द जो है वो कई कारणों से होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आप अपने सिर दर्द के पीछे के कॉज को पता करें, यानी कि कारण को पता करें कि इसके पीछे कौन सा रीज़न है। अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो उसमें ये दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर नॉर्मल वजह से अगर आपको सिर में दर्द रहती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि गलत पोजीशन में सोने की वजह से, कुछ चेयर्स ऐसे होते हैं उसमें बैठने की वजह से, पिलो की वजह से, और भी कई रीज़न से, एक्सेस मोबाइल वगैरह देखने की वजह से, या तो और भी कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हमें सिर में दर्द होता है। तो आप सबसे पहले उसे चेकआउट करें और उस चीज़ को थोड़ी सी अगर आपको पता चल जाए आप उसकी मात्रा को थोड़ी कम करें और साथ में ही इस दवाई को लें। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपकी जो सिर में दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एकदम अगर आप इसे कंटिन्यू भी लेते हैं, थोड़े दिन के लिए लॉन्ग लास्टिंग लेते हैं, तो भी जो है आपकी सिर की दर्द कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी अगर वो नॉर्मली है, नॉर्मल कारणों के वजह से है। और अगर सीवियर है तो आप फिर उस आगे के एग्जामिनेशंस के लिए जाए, आगे के जांच के लिए जाए और आप जो है ट्रीटमेंट लें। लेकिन ये जो है सिर में दर्द के लिए एक बहुत जानी मानी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ये रिव्यू के बाद ही मैं बता रही हूँ, बहुत लोगों की रिव्यू करने के बाद ये मैं देखी हूँ, सब लोगों का कहना है कि ये बाकी जो मेडिसिन्स होते हैं एलोपैथ में उनकी तुलना में ये बहुत अच्छा जो है रिलीफ देती है। और सबसे बड़ी बात कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपको इससे नहीं होता है। नॉर्मली हो सकता है कि थोड़ा सा गर्मी वगैरह के एहसास आपको हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कंटिन्यू ले सकते हैं और इसे आप लॉन्ग लास्टिंग भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, या तो नॉर्मल वजह से है लेकिन हेडेक हमेशा आपको रहती है, तो आप इसे एक दो दिन ही नहीं, कंटिन्यू भी इसे कुछ दिनों तक चला सकते हैं, जिससे कि आपको आपके डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं इसकी बेनिफिट की अगर बात करूँ तो सिर्फ सिर में दर्द ही नहीं, ये जो है फुल बॉडी में भी, अगर हल्की फुल्की आपको दर्द है यानी कि पेन है, हेडेक है, पूरे बॉडी में भी अगर पेन का एहसास हो रहा है उसमें भी ये जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी थोड़ी बहुत पेन है तो आप इसे ले सकते हैं। और जो है हल्के फुल्के फीवर में भी है, अगर नॉर्मल रेंज में कभी कभी कुछ कारणों की वजह से हमें थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, उस सिचुएशन में भी जो है ये फीवर में भी, थोड़े बहुत फीवर के लिए भी ये जो है बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि इसमें जो है दो इंग्रेडिएंट्स ही मेन है इसके, जो बनाया गया है इसे, तो मेन इसका जो इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए पैरासीटामोल है और कैफिन टैबलेट्स है इसमें। तो ये पैरासीटामोल जो है और कैफिन है, ये दोनों को मिला के इसे बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट को बहुत कम मतलब डाला गया है इसमें, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना हो और 100% रिज़ल्ट भी आपको मिल पाए। तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, ताकि जो है आपके बॉडी को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये अगर आपको नॉर्मल रेंज में प्रॉब्लम है तो आप एक एक टैबलेट ले सकते हैं रोज़।
अगर समस्या थोड़ी ज़्यादा है तो आप 2 टैबलेट्स ले सकते हैं दिन भर में, और बहुत ज़्यादा फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो 3 से 4 टैबलेट आप ले सकते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया ये हर्बल है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, तो अगर आप 3 से 4 बार भी लेते हैं तो भी आपके शरीर में ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसे आराम से 3 बार तक 4 बार तक ले सकते हैं, और फिर भी अगर आपको नहीं उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ले ले, परामर्श कर ले, और उसके बाद ही फिर इसमें एडिशनल भी कुछ दवाइयाँ वो दे सकते हैं, और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट ले। और नहीं तो जहाँ तक मेरा मतलब है, अगर नॉर्मल आपकी अगर हेडेक है तो वो 2 से 3 बार अगर आप लेते हैं तो ये 100% ठीक हो जाएगी। और अगर अगर आप चाहते हैं कि वो जड़ से थोड़ी ठीक हो जाए, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है और रेगुलरली अक्सर 2-4 दिन में एक बार हो जाती है, तो आप इसे थोड़ी दिनों तक कंटिन्यू भी कर ले, उसके बाद बंद कर दें। और नहीं तो जब आपको सिर में दर्द हो उस टाइम भी आप ले सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ी ही देर में जो है आपकी सिर दर्द जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि सिर में दर्द होने के बाद लोग अक्सर जो है अपने काम काज से दूर हटने लगते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सिर एक ऐसी चीज़ है, हमारी मस्तिष्क एक ऐसी चीज़ है, उसमें पेन होने के बाद लोग जो है एकदम उनके वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप अगर दूसरी दवाइयाँ लेते हैं, दूसरे सिर दर्द की दवाई ले रहे हैं, उसकी जगह में आप इस सर्वाइनल स्ट्रॉन्ग को लेके देखें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको जो है साइड इफ़ेक्ट का भी एहसास नहीं होगा। कई बार एलोपैथ में दवाइयाँ लेने के बाद आप पूरा सुस्त महसूस करते हैं, या तो आपको सोने की टेंडेंसी होती है, इस तरह की प्रॉब्लम इस टैबलेट को लेने के बाद आपको बिल्कुल नहीं होगी। आप डे टू डे लाइफ में वर्क भी कर पाएंगे और आपके सिर में दर्द भी जो है वो कम हो जाएगी। आइए देख लेते हैं इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है वो है 14 रुपीज़, यानी कि 14 रुपये इसकी MRP है। तो ये जो है आपको किसी भी दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक सिर दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको आपके लोकेलिटी में अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। होप मेरा वीडियो आज का पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप तक पहुँच सके और आप हमारे साथ बने रहें। Till then, have a good day. Bye.